नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IGCSM कंप्यूटर क्लास पर। दोस्तों, आज के इस सेशन में अपन सीखेंगे यदि आपका कंप्यूटर या लैपटॉप हैंग हो रहा है या उसकी स्पीड नहीं आ रही है और आप सोच रहे हैं कि रैम बढ़ा दी जाए या कोई बता रहा है आपको कि रैम बढ़ाने से स्पीड बढ़ जाएगी। दोस्तों, बिना रैम के भी आज मैं आपको सिखाऊंगा कि कैसे कंप्यूटर के अंदर सेटिंग सॉफ्टवेयर की करके और आप रैम बढ़ा सकते हो, आपके कंप्यूटर को हैंग होने से बचा सकते हो और आपके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा सकते हो, वर्चुअल मेमोरी चेंज कर सकते हो। तो दोस्तों, इस तरीके के टेक्निकली स्टेप मैं आपको कुछ बताऊंगा और उस स्टेप को यदि आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में फॉलो करते हैं तो आपके कंप्यूटर की निश्चित ही स्मूथ चलेगा और स्पीड बढ़ेगी। दोस्तों, यदि आपको इस तरीके के और बहुत सारे वीडियो चाहिए होते हैं और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेवें, लाइक और शेयर करना न भूलें। दोस्तों, चलते हैं समय न खराब करते हुए। देखो, स्टार्ट पे जाना है अपने को यहाँ पे दोस्तों, स्टार्ट बटन पे, और स्टार्ट बटन पे जाने के बाद फाइल एक्सप्लोरर लिखा हुआ है, फाइल एक्सप्लोरर इस पर क्लिक करना है दोस्तों। और क्लिक करने के बाद हम जाएंगे, देखो यहाँ पे लिखा होगा दिस पीसी, दिस पीसी पे आप जा करके राइट क्लिक करेंगे दोस्तों और उसके बाद प्रॉपर्टी पे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? प्रॉपर्टी पे। जैसे आप प्रॉपर्टी पे जाएंगे और उसके बाद एडवांस सिस्टम सेटिंग लिखा आ रहा है, एडवांस सिस्टम सेटिंग पे जाइएगा और उसके बाद इस तरीके का बॉक्स लिखाएगा कंप्यूटर नेम करके। लेकिन हमें यहाँ नहीं जाना, हमें जाना है किसका, एक नंबर, दो, तीन नंबर पे, एडवांस पे। और एडवांस पे दोस्तों क्या है, परफॉर्मेंस तीन प्रकार की सेटिंग दिखा रहा है, सेटिंग वन, सेटिंग टू, सेटिंग थ्री। परफॉर्मेंस सेटिंग पे जाना है क्योंकि हमें क्या बढ़ाना चाह रहे हैं, अब परफॉर्मेंस बढ़ाना चाह रहे हैं, सीपीयू की प्रोसेसिंग बढ़ाना चाह रहे हैं, सीपीयू को हैंग होने से बचाना चाह रहे हैं। परफॉर्मेंस सेटिंग पे जाना है, सेटिंग पे क्लिक करेंगे दोस्तों, आपके कंप्यूटर पर इस तरीके से लेट विंडो चूज व्हाट बेस्ट फॉर माय कंप्यूटर, इसके लिए आप इस पे टिक लगाएगा, आपको कस्टम पे टिक करने, और कस्टम पे टिक करके ये जो टिक लगे हुए हैं इनको हटा दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, आपका कंप्यूटर स्मूथ और स्पीड चलेगा। अभी तक आपने वीडियो सब्सक्राइब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले दोस्तों, हर प्रकार की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो इस पे मिलेंगे आपको। पहला स्टेप हो गया, उसी पर आगे चलना है दोस्तों। अब आगे परफॉर्मेंस की सेटिंग में जाएंगे और उसके बाद पहले इसको हल कर दिया था, फिर क्या करना है, एडवांस पे जाना है दोस्तों। एडवांस पे जाने के बाद वर्चुअल मेमोरी पे जाना है दोस्तों। अगर आप स्टूडेंट हैं तो वर्चुअल मेमोरी का प्रश्न भी आता है कंपटीशन लाइन में, RSCIT में, CCC में, आदि सभी में। क्या है वर्चुअल मेमोरी, अपने स्पीड कैसे बढ़ जाएगी, दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे कैसे स्पीड बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, आपके कंप्यूटर की हार्ड डिस्क है उसके अंदर अगर फ्री स्पेस पड़ा है तो उसको हम क्या करेंगे, अस्थाई रैम बना देंगे। क्या बना देंगे? अस्थाई रैम, ताकि जब कंप्यूटर को जरूरत पड़े या लोड ले तो उस हार्ड डिस्क के स्पेस को रैम के रूप में यूज कर ले, और इसे ही क्या कहते हैं, वर्चुअल मेमोरी कहते हैं दोस्तों। इस पे जाएंगे और हम क्या करेंगे, यहाँ जाने के बाद चेंज पे जाएंगे, चेंज पे आपके कंप्यूटर पे इस तरीके का टिक लगा आएगा, ऑटोमेटिकली मैनेज पेजिंग फाइल साइज फॉर ऑल ड्राइव, ऐसा दोस्तों बना हुआ आता है और इसको बनाने के ऐसा आता है। लेकिन कंप्यूटर अपने आप ही वर्चुअल मेमोरी तो यूज़ करता है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, इसको अनचेक कर देंगे और कोई एक ड्राइव सेलेक्ट करेंगे। ड्राइव सेलेक्ट करने के बाद हमें देखना है कि स्पेस अवेलेबल कितना है हमारे पास। यहाँ पे 24,000 MB पड़ा है, हमें नहीं चाहिए इतना क्योंकि लिमिटेड स्पेस ही चाहिए। हम कस्टम साइज पर क्लिक करेंगे और उसके बाद में मैक्सिमम भरेंगे, पहले इस पर लिख देंगे 5,000 और इनिशियल साइज में लिख देंगे 4,000। इससे आपके 3 से 3.5 GB की रैम बन जाएगी वर्चुअली, और उस पर आप क्या कर देंगे, सेट कर देंगे। फिर आप दूसरे ड्राइव में जाइएगा ई पे, और ऐसा ही ई पे भी आप 5,000 और 4,000 लिख दीजिएगा और उसके बाद सेट कर दीजिएगा। ओके करेंगे, अप्लाई करेंगे तो एक एरर आएगा सामने, वो ये बोलेगा कि आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है इसके बाद। और दोस्तों, रिस्टार्ट मांगेगा, रिस्टार्ट करने से पहले आपके कंप्यूटर में जो आपने चेंजेज किए हैं उसका इफेक्ट नहीं दिखाई देगा। अब अपन को क्या करना है दोस्तों, ओके कर देना है और अगला स्टेप अपनाना है। इसके बाद अपना दोस्तों सभी को काट दीजिएगा और उसके बाद कीबोर्ड के अंदर नीचे कंट्रोल लेफ्ट साइड में कंट्रोल और एल्ट के बीच में विंडो बटन दिया हुआ है, स्टार्ट बटन, वो प्लस आर प्रेस करेंगे, वो और आर दोनों दबाएंगे तो रन बॉक्स खुल जाएगा। रन बॉक्स खुलेगा, उसमें अपने को परसेंट सिंबल प्रेस करना है और TEMP प्रेस करना है दोस्तों, और परसेंट प्रेस करना है ऐसा करके, और ओके कर देंगे तो हमारे यहाँ पे आपके कंप्यूटर में बहुत सारी टेम्परेरी फाइलें मिलेगी, उनको सभी को सेलेक्ट करेंगे और इन्हीं की वजह से ये हैंग होता है, अनावश्यक फाइलें पड़ी रहती है, सेलेक्ट करेंगे और शिफ्ट प्लस डिलीट कर देंगे दोस्तों।
कुछ फाइलें होंगी वो डिलीट नहीं होगी, स्किप मांगेगी, आप उन्हें स्किप कर दीजिए, जो डिलीट हो रही है उन्हें होने दीजिए। दो तीन फाइलें डिलीट नहीं होगी, बाकी सब डिलीट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, इस स्टेप से सारी डिलीट कर देंगे जिससे कि आपकी कंप्यूटर की स्पीड अच्छी चलेगी और परफॉर्मेंस बढ़िया रहेगी। उसके बाद तीसरा स्टेप और लास्ट स्टेप क्या है, विंडो वार करना वापस, और यहाँ से टेम्प वाले में परसेंट हटा देना है, और उसके बाद ओके करना है। ओके करोगे तो आपके कंप्यूटर में बहुत सारी फिर फाइलें मिलेगी, इन फाइलों को सेलेक्ट करना है, थोड़ी थोड़ी करके आपको डिलीट करनी है, एक साथ डिलीट नहीं होगी। ऐसे करके दोस्तों ये फाइलें क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। इन सभी फाइलों को क्या करना है दोस्तों, डिलीट करना है। इसमें 8-10 फाइलें डिलीट नहीं होगी, वो आपसे स्किप मांगेगी, आप उनको स्किप कर दीजिएगा, और जैसे आप स्किप कर दोगे सारी फाइलें डिलीट हो जाएगी। उसके बाद इसको क्या कर दीजिए, काट दीजिएगा। तो दोस्तों इस तरीके से करने के बाद आपके कंप्यूटर को रिस्टार्ट करना है, मैं नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा वीडियो नहीं बनेगा। और दोस्तों इस तरीके के अगर आपको वीडियोज अच्छे लगते हैं और आपको टेक्निकली प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक व शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद, थैंक यू।